दिल्ली की सभी सीमाओं पर एक दिन का अनशन कर रहे किसान नेता कुंडली, टिकरी, पलवल और गाजीपुर पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे अनशन। देशभर के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। नीतीश कुमार ने चुनाव में लचर प्रदर्शन से लिया सबक। सवर्ण समेत भूमिहार और राजपूत समाज के नेताओं का कद बढ़ाने की तैयारी। दलित और अति पिछड़ा के साथ मुस्लिम चेहरे की खोज भी तेज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरा, कहा किसान को दहशतगर्द कहने वाले इंसान कहलाने लायक नहीं। दिल्ली में क्या हो रहा है? मोदी सरकार ने शुरू की बजट की तैयारियां। वित्त मंत्री आज से शुरू करेंगे प्री बजट चर्चा। पहली मीटिंग शीर्ष उद्योगपतियों के साथ। भारत, ईरान और उज्बेक के बीच चाबहार बंदरगाह के साझा इस्तेमाल पर आज होगी अहम बैठक। वर्चुअल बैठक के जरिए हिस्सा लेंगे तीनों देश। चाबहार बंदरगाह पहुंचने के लिए नहीं पड़ेगी पाकिस्तान की सीमा में जाने की जरूरत। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए डीपीआर तैयार। आज होगा 4 कंपनियों में से एक का चयन। फाइनेंशियल बिड भी खोली जाएगी। असम में बीजेपी ने पुराने सहयोगी को किया दरकिनार। नए दल के साथ मिलकर बीटीसी पर करेगी शासन। नई पार्टी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ किया गठबंधन। केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव जारी। आज दिल्ली पहुंचेंगे बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के मामले में किया गया तलब। और रडार से बच सकने वाले पहले युद्धपोत का जलावतरण आज। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित रडार की पहुंच से बच सकने वाले पहले युद्धपोत का होगा जलावतरण। सुबह शाम ठिठुर रहे हैं दिल्ली वाले। सर्द हवा ने कराया चुभन का एहसास। दिल्ली NCR में शीतलहर चलने की संभावना। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे को सऊदी सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हुई वार्ता। शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भी की बात। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी ने किसान आंदोलन के बहारे भारत के खिलाफ दिया बयान। पंजाबियों को दर्द देने का लगाया आरोप। कम्युनिस्ट पार्टी के डेटा लीक से खुली पोल। ब्रिटेन के कॉन्सुलेट से लेकर कई कंपनियों में फैले सदस्यों के खिलाफ जासूसी करने का सबूत अभी नहीं मिला। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन। रैली रोकने के लिए लगाई पूर्णबंदी। एकजुट विपक्ष किसी भी कीमत पर रैली के आयोजन पर डटा। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन। समर्थकों और विद्रोहियों में झड़प। अन्य शहरों में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनों पर हिस्सा लिया। और तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 250 अंकों की तेजी। निफ्टी 70 अंक तक उछला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 3 आत्मनिर्भर पैकेज के तहत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने की थी पैकेज की घोषणा। RBI ने दी ग्राहकों को सुविधा। आज से 24 घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का लाभ उठा सकेंगे लोग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा होगी आसान। 15 दिसंबर को देश भर में रिटेल डेमोक्रेसी डे मनाएगा कैट। PM को दिया जाएगा ज्ञापन। व्यापारियों के जरिए रिटेल प्रजातंत्र मार्च निकाला जाएगा। रेलवे ने रद्द की 4 स्पेशल ट्रेनें। 6 को आंशिक रूप से किया कैंसिल। ट्रेनें आधे रास्ते में ही हो जाएंगी टर्मिनेट।